पर्यटन से जुड़े हुए थे, परिवहन से जुड़े हुए थे, हमारे नौकायन से जुड़े हुए लोग हैं, ऐसे सभी लोगों के लिए सरकार के पास कम संसाधन होते हुए भी हमने 200 करोड़ रुपए का एक पैकेज भी दिया था। सभी के जो छोटे व्यवसाय करने वाले हैं उन सभी के खातों में DBT के माध्यम से सीधे पैसा भेजा था, क्योंकि हम आपसे कहना चाहते हैं कि सरकार हमारी, ये केवल सरकार नहीं है, सरकार आपकी सहयोगी है। नमस्कार, स्वागत है आपका उत्तराखंड तक पर। मैं आपके साथ पीयूषा शर्मा। प्रदेश में जब से नई सरकार बनी है कई मुद्दों पर काम शुरू हो चुका है, लेकिन पर्यटन एक ऐसा क्षेत्र है जिस पर लगातार सरकार जो है वो नए बड़े कदम उठा रही है। तो पर्यटन को लेकर के देखिए, आज पुष्कर सिंह धामी जो है वो देहरादून में पर्यटन विभाग की तरफ से एक सम्मेलन हुआ था, टूरिज्म एंड हॉस्पिटैलिटी कॉन्फ्रेंस 2022। इसमें जो CM धामी है वो आज सम्मिलित हुए और उन्होंने क्या कुछ कहा, सबसे पहले आपको वो सुनाते हैं। हमारा पर्यटन बढ़ना चाहिए, पर्यटन आधारित हमारी आजीविका होगी, पर्यटन ही हमारा राजस्व की प्राप्ति का बड़ा साधन होगा। तो हम इसको कैसे अच्छा कर सकते हैं, हमारे अंदर थोड़ा बहुत इसका दर्द जरूर होना चाहिए। देखिए, सरकार की अपनी व्यवस्थाएं हैं, सरकार का अपना जो काम वो चलता है, लेकिन बिना समाज के सहयोग के, सबकी सहभागिता से, सबके समन्वय से और सबके साथ से ही काम सिद्धि तक पहुंचता है। और हमारे देश के प्रधानमंत्री जी कहते हैं, उनका ध्येय वाक्य है, मूल मंत्र है, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और साथ में गुप्ता जी सबका प्रयास। तो हम सभी का प्रयास होगा तभी हम सब आगे बढ़ेंगे, तभी ये आने वाला समय उत्तराखंड का दशक होगा। तो CM धामी का कहना है कि जब प्रदेश की रजत जयंती होगी 2025 में, तो उस वक्त तक उत्तराखंड जो है वो देश के सर्वश्रेष्ठ राज्यों में से एक होगा। और उनका ये भी कहना है कि PM मोदी का जो एक पूरा विजन है, जो उनका एक मूल मंत्र है, सबका साथ सबका विकास, प्रदेश सरकार भी उसी मूल मंत्र पे चल रही। और हमारी जब रजत जयंती वर्ष जब हम मना रहे होंगे, तो रजत जयंती वर्ष जब हम मना रहे होंगे 2025 में, तब हम हर दृष्टि से हम उत्तराखंड हमारा देश के श्रेष्ठ राज्यों में से एक राज्य बने। उसके लिए हम सबको संकल्प लेना होगा, और हमने जो कहा है विकल्प रहित संकल्प, इसके आधार पर हम आगे बढ़ेंगे। CM धामी ने अपने भाषण के दौरान केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी से हुई अपनी बातचीत साझा की। उन्होंने बताया कि जब उनकी बातचीत नितिन गडकरी से हुई, तो उन्होंने दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे का जिक्र किया और उन्होंने कहा कि जिस रफ्तार से इसका काम हो रहा है, जल्द ही दिल्ली से देहरादून जाने वाली फ्लाइट जो है वो बंद होती नजर आ रही है। तो उस पे नितिन गडकरी ने क्या जवाब दिया था वो सुनिए। मैं अभी गोवा सरकार के शपथ ग्रहण में गोवा गया था, तो गोवा से लौटते समय मैं भारत सरकार के जो हमारे सड़क परिवहन मंत्री हैं अरुणी गडकरी जी, उन्हीं के साथ लौट कर आया। एक कार्यक्रम में वो मेरे साथ थे, तो मैंने उनसे कहा था कि जिस प्रकार से आप कह रहे हैं कि आने वाले समय में मात्र 2 घंटे में देहरादून से दिल्ली की दूरी तय की जाएगी, तो जितने हमारे हवाई जहाज चलते हैं वो सारे बंद हो जाएंगे। तो उन्होंने मेरी बात को दोहराया वहां पर, बोले पुष्कर भाई आप जो है उस दिन वहां कह रहे थे और सही में, बोले पुणे से नागपुर और पुणे से बंबई के जो जहाज है वो फ्लाइटें बहुत कम हो गई है वहां पर, और आपके यहाँ बिल्कुल दिल्ली से देहरादून जो है बंद ही हो जाएगा, ये सड़क जब एलिवेटेड बन जाएगी। क्योंकि आप देखिए, अगर जहाज पकड़ने यहां से जाएंगे तो आपको 2 घंटे पहले घर से निकलना पड़ता है, 1 घंटे की आप पूरी मान लीजिए कि 45 मिनट वो बोलते हैं, लेकिन निकलते निकलते वो 1 घंटा लग जाता है, और लगभग 40-30 मिनट जो है वो सामान लेने में लग जाते हैं, कितना हो गया। फिर 1 घंटा आपको कम से कम वहां जाने में लगेगा जहां आपको जाना है, कम से कम कह रहा हूं, तो सब मिला के कितने घंटे हो गए, 4.5। पर जब 2 घंटे में आप सड़क से पहुंचेंगे, आपकी गाड़ी भी होगी, आपको कहीं सामान भी नहीं उतारना है, अपनी सुविधा से 2 लोग बैठा लिए, 3 लोग बैठा लिए, 4 लोग बैठा लिए, तो आप सड़क से जाएंगे, आप यहां से
हरिद्वार चले जाइए, अभी देखिए हरिद्वार जाने वाली सड़क कितनी बढ़िया हो गई है। आने वाले समय में आपको एयरपोर्ट भी जाने के लिए जो है बहुत बढ़िया सड़क मिलने वाली है, वो भी एलिवेटेड रोड पूरी पास हो गई है इसी केस से देहरादून वो डोई वाला। इसी प्रकार से आप हरिद्वार से आगे जाएंगे आपको उधर काशीपुर की तरफ जाना है, तो वो दूरी भी आज जो हरिद्वार से काशीपुर तक हम लगभग 2.5 घंटे में पहुंचते हैं क्योंकि अभी पूरी रोड नहीं बनी है, लेकिन आने वाले समय में वो रोड भी जो है हमको 1 ही घंटे में पहुंचा देगी, 1 से 1.5 घंटे में, क्योंकि नजीबाबाद से सीधे आपका अफजलगढ़ का सीधा रोड बनने जा रहा है, वो रोड भी हमारा स्वीकृत हो गया है। आप किसी कोने में चले जाइए, आप देखिए चार धाम को जाने वाली सड़क बहुत तेजी से बन रही है, अभी तक उसमें कुछ रोक लगी हुई थी, कुछ सुप्रीम कोर्ट में कुछ लोग गए हुए थे, सरकार ने उसकी पैरवी करी, हम लोगों ने उसकी पैरवी करी और रोड का काम अब तेजी से शुरू होगा, जो भी बाधा थी वो बाधाएं समाप्त हो गई हैं और सड़क का काम तेजी से हो रहा है। रेलवे के क्षेत्र में ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेल लाइन बहुत तेजी से बन रही है, इसके अलावा कुछ नई लाइनें भी हम लोगों ने वहां प्रस्ताव किया है कि वो हमको मिल जाए, नई ट्रेनें मिल जाए, देहरादून से हरिद्वार जो है हमारा चौड़ीकरण हो जाए यानी कि डबल लेन बन जाए। कुमाऊं क्षेत्र में टनकपुर से बागेश्वर रेल लाइन के लिए ब्रॉडगेज सर्वे के लिए हमको 29 करोड़ रुपया भी मिल गया है, जल्दी वो भी जो है 155 किलोमीटर की जो ब्रॉडगेज सर्वे होने के बाद उसका काम भी चल जाएगा। माननीय प्रधानमंत्री जी ने हल्द्वानी में कहा था कि ये केवल हमारी घोषणा नहीं है, उन्होंने कहा ये हमारा संकल्प है, हम जैसे ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेल लाइन बना रहे हैं वैसे ही टनकपुर बागेश्वर रेल लाइन भी बनाएंगे। तो हर क्षेत्र में तेजी से काम चल रहा है, अभी देहरादून का हवाई अड्डा ये अंतर्राष्ट्रीय स्तर का हवाई अड्डा बनने की ओर है। हमारा प्रयास है कि हर शहर के लिए यहां से हवाई जहाज की सुविधा मिले, कुछ शहरों के लिए हो गई है, कुछ शहरों के लिए आगे निकट भविष्य में होने वाली है, हम उसमें भी काम करने वाले हैं। तो हमारा प्रयास है कि किसी भी तरीके से हमारा राज्य आगे जाए, हमारे व्यवसाय करने वाले लोगों को सुविधा मिले। होटल से जुड़ी हुई जो कुछ समस्याएं थी, कुछ कोरोना महामारी के समय का उन्होंने हम लोगों से कहा था कि उसको कुछ 3 महीने का रिबेट करना है, वो हमने अभी कर दिया, उसका आदेश कर दिया। इसके साथ साथ महामारी के समय में पिछले वर्ष जो पर्यटन से जुड़े हुए थे, परिवहन से जुड़े हुए थे, हमारे नौकायन से जुड़े हुए लोग हैं, ऐसे सभी लोगों के लिए सरकार के पास कम संसाधन होते हुए भी हमने 200 करोड़ रुपए का एक पैकेज भी दिया था, सभी के जो छोटे व्यवसाय करने वाले हैं उन सभी के खातों में डीबीटी के माध्यम से सीधे पैसा भेजा था, क्योंकि हम आपसे कहना चाहते हैं कि ये सरकार हमारी, ये केवल सरकार नहीं है, सरकार आपकी सहयोगी है, एक सहयोगी के रूप में जो काम हो सकता है। अभी उद्योग जगत से जुड़े हुए बहुत सारे लोगों के लिए हम लोग ओटीएस वन टाइम सेटलमेंट की योजना भी लेकर आए हैं, उस योजना पर चुनाव आचार संहिता के कारण से काम नहीं हो पाया है। हमारा प्रयास है कि जितना चीजों का जितना सरलीकरण हो जाए, और मैंने सभी अधिकारियों से कहा है कि हम सरलीकरण के आधार पर काम करना चाहते हैं, यानी कोई अधिकारियों के पास आप काम लेकर गए तो उसमें यह नहीं होना चाहिए कि यह बड़ा कठिन काम है, ये तो हो ही नहीं सकता, पहले ही लोग कहने लगते हैं, क्यों दिलीप जी, दिलीप जी ऐसा नहीं कहते लेकिन मैं एक थोड़ा कई जगह पर ऐसा होता हूं कि हम पहले कहते आप गए कोई कागज लेके, आपने इंडस्ट्री की कोई बात बताई, उन्होंने 4 प्रश्न आपसे डाल दिए, तो हमने कहा ये नहीं होगा, रास्ता निकालना है, सरलीकरण करना है, चीजों का सरलीकरण, उसका समाधान करना है, जो एप्लीकेशन आई है उसका समाधान करना है, और समाधान करने के बाद यानी कि पत्रावली महीनों सालों और सालों सालों तक पड़ी रहेगी, हमने कहा 9 पेंडेंसी धीरे धीरे इसको समाप्त करिए, इसके आधार पर हम लोग काम कर रहे हैं। अभी बहुत सारी जगह पर छोटी छोटी जगह पर ये शिकायतें आती थी कि आज यहाँ तहसील में यहाँ पर घूस मांगी जा रही है, यहाँ पर फलाने विभाग में जो है बिल ठीक करवाने के लिए पैसे मांगे जा रहे हैं, कनेक्शन मंगवाने के लिए पैसे मांगे जा रहे हैं, ऐसे तमाम जगह से शिकायतें आती थी। तो हमने काम किया है, 1064 एक हमने नंबर जारी किया है और इस नंबर के माध्यम से वो
अपने ऐप में भी डाउनलोड, उस ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं, और डाउनलोड नहीं करते हैं तो सीधे फोन मिलाएंगे, फोन पर भी आपकी शिकायत दर्ज हो जाएगी, और दर्ज होने के बाद हमने कहा हम इस पर कठोर कार्रवाई करेंगे। हमारा यह भी लक्ष्य है कि हम भ्रष्टाचार मुक्त उत्तराखंड बनाते चाहते हैं, पारदर्शी उत्तराखंड बनाना चाहते हैं, सभी के लिए सुविधाजनक बनाना चाहते हैं, और हमने कहा मितव्ययता भी हमारा एक मूल मंत्र रहेगा। इन सभी लोगों को लेकर सबकी सुविधा अनुसार हमारा राज्य आगे बढ़े, हमारा पर्यटन का क्षेत्र आगे बढ़े, हमारा हर क्षेत्र आगे बढ़े, उसके लिए हम लोग काम कर रहे हैं। और समय समय पर आप सबके सुझाव, आप सबकी सहभागिता इसमें बहुत जरूरी है। ये सरकार भी आपकी सरकार है, ये सरकार आप लोगों ने बनाई है, और हम धन्यवाद करना चाहते हैं उत्तराखंड की देवतुल्य जनता का, जिन्होंने इस बार मिथक तोड़ा है कि एक बार इस पार्टी की सरकार, दूसरी बार दूसरी पार्टी की सरकार, और लोग इस बार गच्चा भी खा गए, वो सोच रहे थे दूसरी सरकार आने वाली है, और वही सरकार आ गई, क्योंकि लोगों ने काम करने वाले लोगों को मौका दिया है, काम करने वाले लोगों को अपना समर्थन दिया है, अपना आशीर्वाद दिया है। मैं आप सभी का आभारी हूँ कि आप सब लोग यहाँ पर बड़ी संख्या में आए हैं, और कार्यक्रम के विशेष रूप से हमारे पर्यटन विभाग के लोगों को, उनका भी मैं धन्यवाद करता हूँ कि निश्चित रूप से ये जो मंथन है, चिंतन है, इसमें से ऐसा अमृत निकलेगा जो हमारे सभी पर्यटन व्यवसायियों के लिए, हमारे होटल व्यवसायियों के लिए, हमारे उद्योग जगत के लोगों के लिए, सभी लोगों के लिए वो एक अमृत का काम करेगा, अमृत रूपी ऊर्जा उनके अंदर भरने का काम करेगा, जिससे जो हमारा विकल्प रहित संकल्प है, हम हिंदुस्तान के श्रेष्ठ राज्य की श्रेणी में आए, हमारा पर्यटन व्यवसाय सबसे आ गया है, हमारा होटल व्यवसाय आ गया है, और जो अतिथि देव भाव की जो हमारी संकल्पना है वो पूर्ण रूप से धरातल पर उतरे। इतना ही सब आप सबसे कहते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूँ। तो सीएम धामी के भाषण से साफ नजर आ रहा है कि प्रदेश सरकार जो है वो खास तौर पर पर्यटन के क्षेत्र पे बड़े कदम उठाने जा रही है, और ये भी कोशिश की जा रही है कि 2025 तक हमारा जो प्रदेश है उत्तराखंड, वो देश के सर्वश्रेष्ठ राज्यों में से एक होगा। उत्तराखंड की छोटी बड़ी तमाम खबरों से अपडेटेड रहने के लिए देखते रहिए उत्तराखंड तक।